तो गाइस कैसे हो आप लोग और कैसी चल रही है आप लोग रैंक पुशिंग, कमेंट करके ज़रूर बता देना। तो फिलहाल देखो आज की वीडियो में ना भाई दो गेम प्ले लेके आए हो, दोनों भाई खतरनाक टॉपिक टॉपिक पे होने वाला है। पहला टॉपिक भी देखो, एक मैच में मैंने भाई #20 निकाला था पर मेरे पास अच्छा खासा किल था, कितना प्लस मिला है, और एक मैच में भाई सच बोलूँ तो 3 किल्स था, वो भी शायद एक बॉट का किल था और उसमें मैंने चिकन निकाला था, और उसमें कितना प्लस मिला है ना आज के वीडियो पूरा देखोगे तो पता चलेगा। मैं इसलिए बोलता हूँ भाई सर्वाइव पर ज़्यादा फोकस करो, किल्स पे भले ही फोकस हो या ना हो, भाई सर्वाइव पे जितना फोकस करोगे भाई प्लस उतना ज़्यादा मिलेगा। तो फिलहाल यहाँ पे देखो भाई आगे चल के तो पूरा डिटेल्स में बात करेंगे, उससे पहले यहाँ पे सीन देखो, एंट्री होता है इवेंट पे। और इवेंट पे यहाँ पे उतरने के साथ साथ आराम से 2 फिनिशेस मिल जाता, पर यहाँ पे मेरा गन का जो एमो था ना वो ख़त्म हो जाता है, पूरा फिनिश हो जाता है, जिसकी वजह से एक ही फिनिशेस मिलता है। पर कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आगे चल के और भी किल निकालेंगे, क्योंकि मैंने बोला भाई इस मैच में भाई हाई किल्स होने वाला है। पर हाई किल्स ऐसा नहीं कि भाई 20-25 किल कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है, बस कितना किल किया वो आपको आगे चल के पता चलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे सीन देखो, एक किल करने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे लूट वगैरह मैं अपना कंप्लीट करता हूँ, और लूट वगैरह कंप्लीट करने के बाद मैं ऊपर साइड में आता हूँ, और उतने में यहाँ पे एक बंदा स्पॉट होता है। तो फिलहाल यहाँ पे इस भाई को बहुत ही इजीली फिनिश कर देते हैं, अच्छा खासा यहाँ पे 2 किल हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे मैं सोचा कि भाई का पेटी वगैरह थोड़ा सा लूट लिया जाए, और यहाँ पे लूट कंप्लीट किया ही हुआ था, और उतने में यहाँ पे मेरे ऊपर साइड में मतलब मैं जहाँ पे पहले था ना वहाँ पे एक बंदा आ जाता है। और फिलहाल यहाँ पे इस भाई को इजीली यहाँ पे फिनिश कर देते हैं, थोड़ा सा पेशेंस के साथ मैंने यहाँ पे फाइट लिया, जिसकी वजह से इस भाई को इजी फिनिश कर देता है, और अच्छा खासा यहाँ पे 3 किल हो गया था। और उसके बाद भाई का पेटी वगैरह लूट के मैं सीधा अपना ऊपर साइड में आ जाता हूँ, जहाँ पे भाई रिकॉल कार्ड वगैरह मिलता है ना उस साइड में, और उतने में यहाँ पे सीन देखना भाई, एक बंदा यहाँ पे बैठा हुआ था किस लेवल का, गंदा वाला कैम लगा के। पता नहीं भाई ये वाला बंदा क्या कर रहा था यहाँ पे, भाई ऑफलाइन था या मतलब कैम लगा के बैठा हुआ था, शायद भाई को फुटप्रिंट का साउंड वगैरह इतना कुछ खास नहीं आया, तो इसलिए भाई को इजी फिनिश कर देते हैं। और टोटल यहाँ पे 4 किल हो गया था। बस आप लोग देख सकते हो भाई कैसे पेशेंस के साथ एक एक बंदे से फाइट ले रहा हूँ और किल्स निकाल रहा हूँ। अरे भाई इवेंट पर थोड़ा सर्वाइव करके किल्स निकालो, लिविंग वगैरह मैप खेल रहे हो या इरंगल भी खेल रहे हो ना, तो एक बार को मतलब जो है ना भाई आप लोग कॉमेंट करना कि इरंगल में अभी भी भाई उस लेवल का हैकर आ रहा है कि नहीं, क्योंकि मैं अभी थोड़ा सा भी रिस्क नहीं ले सकता, इसलिए मैं ये भाई लिविंग वगैरह खेल रहा हूँ। और उतने में यहाँ पे देखो भाई आगे चल के बात करेंगे लिविक के बारे में, उतने में यहाँ पे मैं होल्ड कर ही रहा था, उतने में और एक बंदा यहाँ पे आ जाता है सामने साइड में। तो मैं सोचा कि प्यारा सा नेट कुक करके डालेंगे और उसके बाद बंदा फूट जाएगा, तो यहाँ पे नेट वगैरह ट्राई करता हूँ। यहाँ पे नेड मॉली वगैरह से तो बंदा फिनिश नहीं होता, उतने में यहाँ पे सीधा घुस के बंदे को फिनिश कर देता हूँ, क्योंकि नेड से बंदा अच्छा खासा डैमेज भी हो गया था। उसके बाद मैं अपना हीलिंग वगैरह कंप्लीट करके चुपचाप होल्ड कर रहा था, पेटी वगैरह लूट रहा था, उतने में और एक बंदे का यहाँ पे बैक टू बैक रश आ जाता है। इसके बाद मेरे साथ जो सीन होता है ना, बस वो सीन देखना अभी यहाँ पे। और यहाँ पे भाई ऑलरेडी मैं काफ़ी ज़्यादा डैमेज भी था, जिसकी वजह से बंदा मेरे को घुस के इजी फिनिश कर देता है। पर कोई नहीं, यहाँ पे इवेंट पे देख सकते हो भाई 5 किल इजीली निकाल लेता हूँ। उसके बाद मैं भाई यहाँ पे जोन काफ़ी ज़्यादा छोटा बन चुका था, सेकंड जोन था, इसके बाद थर्ड जोन स्टार्ट होने वाला था, तो मैं सोचता हूँ यहाँ पर सीधा जोन के सेंटर ही कूद जाते, जो भी सीन होगा देखा जाएगा। पर यहाँ पर लगे ये वाले कंपाउंड में ना भाई एक भी बंदा वगैरह नहीं था, जो मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात था, तो यहाँ पर मैं होल्ड कर ही रहा था।
और उतने यहाँ पे और एक बॉट भाई जी भी स्पॉट हो जाते हैं, तो इसको फिनिश करके अच्छा खासा 6 किल हो गया था। और यहाँ पे भाई हैशटैग 20 भी इजीली आ चुका था। उसके बाद क्या सीन था कि भाई यहाँ पे होल्ड कर रहा था, उतने में और एक बंदा आ जाता है खतरनाक लेवल का, पता नहीं कहाँ से। और यहाँ पे बंदा शायद मेरा लोकेशन के बारे में कुछ खास आइडिया नहीं था उसको, तो इसलिए मैं यहाँ पे चुपचाप बैठा था। मेरे को पता था बंदा यहाँ पे ओपन में आएगा, तो यहाँ पे ऐसा ही कुछ सीन होता है, बंदा आके सामने कैम कर लेता है। तो अब देखो यहाँ पे कैसे भाई को फिनिश करता हूँ। तो फिर यहाँ पे शॉटगन से भाई को इजीली यहाँ पे डैमेज देके फिनिश कर देते हैं अच्छा खासा। यहाँ पे मतलब टोटल जो है 7 किल हो गया था। उसके बाद भाई का पेटी लूट के मैं सोचा कि यहाँ पे होल्ड करेंगे, जितने भी बंदा वगैरह आएगा फिनिश कर देंगे इजीली। पर यहाँ पे मैं थोड़ा सा हड़बड़ी करता हूँ। क्या हड़बड़ी करता हूँ देखो, यहाँ पे मैं अपना हीलिंग वगैरह कंप्लीट करके यहाँ पे चुपचाप बैठा था, उतने में और एक गाड़ी का साउंड आता है और बंदा आके सीधा सीधा जो है ना मेरे कंपाउंड पर आ गया था। और मैं यहाँ पे हड़बड़ी के चक्कर में देखो क्या सीन करता हूँ। शॉटगन का भाई यही दिक्कत है भाई, गोली कनेक्ट हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो भाई कुछ भी कर लो कनेक्ट होगा ही नहीं। पर कोई नहीं, यहाँ पे हैशटैग 18 के साथ मैंने भाई अच्छा खासा किल निकाला था, पर मैं यहाँ पे ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाया था, जिसकी वजह से मेरे को बस 9 का प्लस मिलता है। यहाँ पे भाई ए वाले मैच में 7 किल के साथ भी मैं भाई हैशटैग कम से कम 5 वगैरह निकाल लेता ना, तो भाई 20 के ऊपर शायद मेरे को प्लस मिल जाता। पर कोई दिक्कत नहीं, क्या ही कर सकते। अब देखो बढ़ते सेकेंड वाले गेम प्ले में। ए वाला गेम प्ले भाई एंड तक देखना मत भूलना, क्योंकि यहाँ पे भाई ज़्यादा किल बिल्कुल भी नहीं था, बस मेरे को शायद 2 या 3 किल मिला था। और एंड में जाके मैंने बस चिकन निकाला था मेहनत करके थोड़ा सा, और उसके बाद जो ही प्लस मिला है ना, मतलब पहले वाले मैच का तो जो भी प्लस देख लिया, और इसका भी प्लस आगे चल के देख लेना। और इस वीडियो में थोड़ा सा बात कर देंगे लिविक के सर्वाइव के बारे में, लास्ट जोन के बारे में, कौन से जोन में जोन के अंदर एंट्री लेना है, इस टॉपिक के बारे में। तो इसलिए वीडियो को जरूर एंड तक देख लेना। और यहाँ पे देखो थोड़ा सा लूट करते ही यहाँ पे एक बंदा मेरे सामने आ जाता है, क्या ही मेरे को फिनिश कर देता। मेरे को समझ भी नहीं आया बंदा पता नहीं कौन सा भाई, मतलब बुलेट ट्रैक वगैरह यूज़ कर रहा था, खतरनाक ही मेरे को फिनिश कर दिया। पर कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे मैं अपना सर्वाइव निकाल रहा था, गाड़ी लेकर बस इधर उधर घूम रहा था जोन के एज टू एज सर्वाइव कर रहा था। और इतने में यहाँ पे सामने एक बॉट भाई जी स्पॉट हो जाते, इस वाले बॉट को फिनिश करते हैं ना। यहाँ पे सामने साइड से मेरे पे स्प्रे आता है, पर मेरे को भाई यहाँ पे फाइट लेना ही नहीं था, तो मैं फिलहाल यहाँ पे उधर से हट जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे भाई अभी फाइट लूँगा तो बाई चांस कुछ दिक्कत हो जाए ना तो भाई पूरा गेम खत्म हो जाएगा। तो इसलिए मैं सोचा भाई फाइट इग्नोर करते, जोन के बाहर जाके थोड़ा सा सर्वाइव करते, और यहाँ पे सर्वाइव करते करते थोड़ा सा बात कर लेते भाई। सेकेंड जोन तक जो है ना भाई इल्विक में आप ईजिली सर्वाइव कर सकते हो जोन के बाहर, पर थर्ड जोन में आप जोन के अंदर एंट्री ले लो, मतलब जब जोन स्टार्ट होगा सेकेंड जोन के बाद, ब्लू जोन जब स्टार्ट होता है ना तब जोन अंदर एंट्री ले लो, नहीं तो क्या सीन होता है कि भाई आगे चल के बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। यहाँ पे डैमेज वगैरह काफ़ी ज़्यादा दे देता है, और ऊपर से देखो इरंगेल में जितना प्लस मिलता है ना एक मैच में, उससे ज़्यादा प्लस निकाल सकते हो 2 मैच में लिविक में, ये चीज़ याद रखना। और लिविक पे खेल रहे हो ना तो यहाँ पे कुछ एडवांटेज भी मिलता है और कुछ जो है ना डिसएडवांटेज भी मिलता है, तो उसके बारे में मैं शायद सोचा कि कल के वीडियो में बता देंगे, क्योंकि आज का वीडियो तो भाई बहुत ज़्यादा लंबा बन चुका है, ऊपर से 2-2 गेम प्ले अपलोड कर दिया हूँ, तो आगे चल के बात कर देंगे उसके बारे में, जिससे आप लोगों को भी हेल्प होगा। क्योंकि लिविक में भाई बहुत ही ज़्यादा कम हैकर आ रहे, कम से कम मैं यहाँ पे 2 दिन से खेल रहा हूँ पूरा मैच, कम से कम 10-15 मैच खेल लिया हूँ, उसमें मेरे को बस ज़्यादा मतलब जो है ना भाई क्या है कि शायद ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को 2 से 3 मैच में हैकर देखने को मिला है। पर यहाँ पे माइनस वगैरह का उतना सीन भी नहीं रहता, सब कुछ डिटेल्स में भाई जो एडवांटेज बताऊंगा ना तब मैं बता दूंगा, जिससे शायद आप भी भाई थोड़ा सा लिविक खेलने का ट्राई करोगे। और यहाँ पे भाई मैंने शायद बताया था इस जो गेम प्ले की स्टार्टिंग में कि इरंगेल में अभी भी किस लेवल का हैकर आ रहा है एक बार कॉमेंट कर देना, क्योंकि इरंगेल में भाई बिल्कुल छोड़ ही दिया हो खेलना, तो यहाँ पे भाई खेलना चाहता हूँ तो भाई हैकर वगैरह कैसे आ रहा है एक बार आप लोग कॉमेंट करके मेरे को बता देना, जिससे मेरे को भी थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा, जानकारी मिल जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा गेम प्ले के सीन थोड़ा सा समझा देते हैं। यहाँ पे देखो पूरा जोन वगैरह सर्वाइव करने के बाद ना मैं यहाँ पे इस वाले कंपाउंड में आता हूँ, एक भी किल वगैरह मेरे को मतलब जो है ना नहीं मिलता, तो यहाँ पे काफ़ी देर तक होल्ड करते ना यहाँ पे नीचे साइड, मतलब यहाँ पे तो भाई काफ़ी ज़्यादा नेड वगैरह हुआ है, जो चीज़ मैं यहाँ पे स्किप कर दिया। उसके बाद भाई लास्ट में जाके बस 2 ही बंदे जब अलाइव रहते ना, तब मैं यहाँ पे नीचे साइड देखता हूँ तो एक बंदा मेरे को स्पॉट होता है। तो अब देखो इसको कैसे फिनिश करता हूँ।
और यहाँ पे एक अच्छा सा भाई मूवमेंट देख के ना सीधा मुंह पे जंप कर देता और इसको भाई को इजीली फिनिश कर देता, क्योंकि भाई यहाँ पे तब के टाइम पे जो ड्रिंक वगैरह पी रहे थे तो इसको भाई इजीली फिनिश कर देते। और यहाँ पे देखो लास्ट जो बंदा था ना भाई, ये भी काफ़ी खतरनाक था, ना ही रश कर रहा था ना ही मेरे को करने दे रहा था रश। तो मैं यहाँ पे सोचता हूँ कि भाई जोन भी स्टार्ट होने वाला है तो यहाँ पे हीलिंग बैटल तो होने ही वाला है। तो अब देखो हीलिंग बैटल में क्या सीन होता है, भाई यहाँ पे हीलिंग बैटल में करता रहूँगा और उतने देखना बंदा एकदम शॉर्ट गन लेकर घुस जाएगा, तो कैसे भाई को फिनिश करूँगा वो सीन तो भाई देखने वाला है। तो देखो यहाँ पे यहाँ पे भैया जी तो खतरनाक कॉन्फिडेंट के साथ यहाँ पे आ जाते हैं शॉटगन लेके, पर कोई नहीं, यहाँ पे भाई को इजी फिनिश कर देता है। भाई 3 किल के साथ मैंने चिकन निकाला है, और पहले वाले मैच में पता ही भाई #20 निकाला था, शायद 8 किल था या 7 किल था, उसके बाद भी जितना प्लस मिला ना यहाँ पे भाई बस बहुत ही कम जो है ना किल्स था, मेरे को अच्छा खासा सर्वाइव निकाला, चिकन निकाला तो भाई 17 का प्लस ईजी मिल गया था। और यहाँ पे भाई 3 किल के साथ जगह मेरे डबल किल होता ना भाई 5-6 किल रहता तो 20 के ऊपर प्लस ईजी मिल जाता, पर कोई दिक्कत नहीं भाई, जितना मिला है उससे मैं खुश हूँ। और यहाँ पे भाई 2 मैच में मैंने कम से कम 26 का प्लस निकाला हुआ है। यही देखो भाई पहले वाले मैच जो अच्छा जाता ना भाई 26 से ज़्यादा प्लस मिलता, और इस एंगल में भाई एक मैच आधा घंटा रहता है 16, मतलब इसमें लिविक में 15 से 16 मिनट रहता है, तो सेम बोल सकते हो लिविक का 2 मैच है और इसका 1 मैच भाई सेम ही प्लस मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल यहाँ पे आज का टिप्स एंड ट्रिक कैसा लगा एक बार कॉमेंट करके मेरे को जरूर बता देना। तो आज की वीडियो यहाँ पे खत्म कर रहे हैं, वीडियो अच्छे लगे तो जरूर एक लाइक कर देना, चैनल पर नया आए ना तो जरूर सब्सक्राइब करना। तो चलो मिलते फिर से न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।